Hello class, welcome back to your computer class. So kids, in last class we have seen how we can how we can create a table, okay? How we can create a table and how we can select a table. ठीक है, we have seen that selection is required if we want to what? Selection is required if we want to do the editing in the table. है ना, अगर हमें table में editing करनी है तो हमारे लिए क्या required होगा? Selection is required. Now, today we will see how we can enter the text. The example of this I have already shown you in the last class, but today also we are going to see that how we can enter the text in the document. What do you mean to say is that you know that table is made up of rows and column. है ना, table आपको पता है कि row और column का मिलके बना है. तो अगर टेबल रो एंड कॉलम का मिलके बना है तो अगर हम ऐसे उसको अरेंज कर दें, सो व्हाट यू कैन सी ना, हियर यू कैन सी दैट दीज आर द स्पेसेस, दीज आर द ब्लैंक स्पेसेस. सो दीज ब्लैंक स्पेसेस आर यूज टू एंटर द टेक्स्ट. इन ब्लैंक स्पेसेस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एंटर द टेक्स्ट इन दीज ब्लैंक स्पेसेस. है ना, चलो लेट अस रीड द स्टेप्स फर्स्ट. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द टार टेक्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहले इज व्हाट यू हैव टू क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टाइप द टेक्स्ट. देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट, देन यू हैव टू टाइप द टेक्स्ट. आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट टाइप करना है. नेक्स्ट रिपीट स्टेप वन, देन व्हाट, repeat step 1 until you finished entering all the text inside the table. तो आपने क्या करना है, जब तक आप पूरा टेबल को फिल ना कर लें तब तक, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना टेक्स्ट आपने डालना है. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन, यस you can finish entering all the text inside the table. So for that you have to repeat step 1 and 2. For that you have to repeat step 1 and step 1 you have to repeat. Now you can press the tab key to move the insertion point to the next cell. To move your insertion point to the next cell what you have to do, you have to press the tab key. आपने क्या press करना है, आपने tab key press करना है. ओके, डिलीटिंग अ टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्रिएट अ टेबल, लेट अस एंटर द टेक्स्ट इन दैट. ठीक है, चलो एक टेबल क्रिएट करें और उसमें टेक्स्ट एंटर करें. सो आई एम गोइंग टू ओपन एमएस वर्ड. ओके, एंड वेयर वी विल गो नाउ, टेल मी, अगर मुझे टेबल एंटर करना है तो वेयर आई हैव टू गो. इंसर्ट, राइट, गुड, वी हैव टू गो टू द इंसर्ट. हम इंसर्ट में गए. नाउ इंसर्ट में व्हाट डू आई वांट टू इंसर्ट हियर, आई वांट टू इंसर्ट टेबल. सो आई विल क्लिक द टेबल. नाउ सी देयर आर टू मेथड टू एंटर द टेबल. आप देखोगे यहाँ पे टू मेथड्स हैं टेबल एंटर करने के. अच्छा देखो, फर्स्ट मेथड इज तो जो कल हम जिससे कर रहे थे बाई ड्रैगिंग. फर्स्ट मेथड इज व्हाट, दिस, दिस मेथड मीन्स वॉट यू कैन डू हियर, यू कैन ड्रैग हियर. आपने क्या करना है, आप ड्रैग कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको, जब आप उसको ड्रैग कर सकते हो, आफ्टर द ड्रैगिंग, एक तो तरीका हुआ कि भाई हम ड्रैग करके कर लें. And other method is what? Insert table. Other method is what? Inserting table. तो देखते हैं कि insert table पे press करके हमें क्या मिलता है. So see, when we are
clicking on insert table. So here they are asking me that how many columns and how many rows do I want in this table. मुझे अपने इस टेबल में कितने कॉलम है और कितने रोज चाहिए. चलो मैम फिर से समझाएं. दिस इज अ होम. ठीक है, होम टैब पे अभी हमें हमें इंसर्ट करनी है टेबल. सो वी विल गो ऑन इंसर्ट. हम किधर गए, इंसर्ट पे गए. और जब हम इंसर्ट पे गए तो यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग अ ऑप्शन ऑफ टेबल. वी विल क्लिक ऑन टेबल. तो हियर टू मेथड्स आर देयर. या तो मैं ऐसे ऐसे ड्रैग करके टेबल ड्रॉ करूं, या देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास इंसर्ट टेबल्स का. तो फ्रॉम हियर ऑल्सो आई कैन इंसर्ट टेबल. यहाँ पे मुझसे क्या पूछा है, दो चीजें ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं. फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द अदर वन इज नंबर ऑफ रो. सो वॉट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ कॉलम्स में सपोज यहाँ पे थ्री है एंड नंबर ऑफ रोज में क्या है, टू है. तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. यहाँ से ये जो दो ड्रॉप डाउन एरोज हमें दिख रहे हैं, इनकी हेल्प से व्हाट वी कैन डू, इनकी हेल्प से वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इनकी मदद से व्हाट वी कैन डू, इनकी मदद से वी कैन इनकी मदद से वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो दैट इज रिक्वायर्ड. ओके नाउ सी, नाउ सी, सो दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू मेक टेबल विद द हेल्प ऑफ ड्रैगिंग मेथड. आई एम गोइंग टू मेक टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो. ओके सी, सो हियर वी आर हैविंग थ्री कॉलम्स एंड थ्री रो. नाउ एक चीज आपने नोटिस की होगी, आपने एक चीज क्या नोटिस की होगी कि जैसे ही मैम ने एंटर किया नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ही मैम ने एंटर किया तो आपको अपनी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस ओपन हो गए, टेबल लेआउट एंड टेबल डिजाइन. ओके, टू ऑप्शंस आर हियर, दैट इज टेबल लेआउट, टेबल लेआउट ऑप्शन एंड टेबल डिजाइन. तो व्हाट वी विल डू, सो हियर वी विल क्लिक ऑन टेबल लेआउट ऑप्शन. ठीक है, अब देखो जब हम टेबल लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, टेबल सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट. नाउ नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज एंटरिंग टेक्स्ट. तो सपोज आई वॉन्ट टू एंटर द टेक्स्ट इन द फर्स्ट रो, आई मीन द फर्स्ट सेल. सपोज आई वॉन्ट टू एंटर द टेक्स्ट इन द फर्स्ट सेल हियर. सो वॉट आई हैव टू डू, आई विल टेक माई कर्सर देयर. देखो अब कर्सर आ गया, सो लेट अस राइट. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट स्टूडेंट नेम. आई हैव गिवन स्टूडेंट नेम, देन आई विल प्रेस द टैब, स्टूडेंट्स नेम, देन दिस इज व्हाट, क्लास, टैब, सेक्शन, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, सेक्शन. ठीक है, तो ऐसे ही हम देखो अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मैम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे गए. मैम एक सेल से दूसरे सेल में गए विद द हेल्प ऑफ टैब. ठीक है, चलो सपोज अवर स्टूडेंट नेम इज रोहन and Rohan is in class 4 and his section is A. तो देखो किसके हेल्प से हम कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टैब. विद द हेल्प ऑफ टैब हम क्या कर पा रहे हैं, टेक्स्ट को दूसरे सेल में मूव कर पा रहे हैं अपने माउस पॉइंटर को.
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट लाइन, अब चलो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं रोहन, एंड नाउ द नेक्स्ट लाइन वी आर गोइंग टू राइट रीमा, देन प्रेस टैब, क्लास इज 5 एंड सेक्शन इज सी. सी लाइक दिस वी कैन डू वॉट, वी कैन एंटर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. This is the way how we can enter the text in a table. We can insert text in a table. ये तरीका होता है टेबल को इंसर्ट करने का. Okay. Now next is what? After this, next is what? अब इतना हो गया. अब सपोज आई वॉन्ट टू एड सम मोर रोज और कॉलम. नाउ इफ आई वॉन्ट टू एड सम मोर रोज एंड कॉलम, सो वॉट इज द मेथड? सपोज आई वॉन्ट टू एड सम मोर स्टूडेंट्स नेम, सो वॉट डू आई नीड? अगर मुझे स्टूडेंट्स के और नेम एंटर करने हैं तो मुझे किसकी जरूरत होगी? आई वुड नीड, अगर मुझे स्टूडेंट्स के और नेम एंटर करने हैं तो मुझे रोज ऐड करने होंगे, है ना? मतलब अभी देखो स्टूडेंट का नेम मैंने कहाँ लिखा, स्टूडेंट का नेम हमने लिखा इधर. नाउ इफ आई वॉन्ट टू एंटर द स्टूडेंट्स नेम, सम मोर स्टूडेंट नेम, अभी हमने रोहन रीमा लिखा, आई वॉन्ट सम मोर स्टूडेंट नेम, तो आई हैव टू ऐड ना रोज लाइक दिस. इस तरह करके रोज मुझे ऐड करने होंगे ना स्क्रीन पे, ऐसे करके रोज ऐड करने होंगे ना. तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट. देखो जब मैं अपने टेबल पे अपना माउस कर्सर ले जा रही हूँ तो ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं अपना माउस कर्सर टेबल के लास्ट में लेके जा रही हूँ तो देखो यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे अगर रो ऐड करनी है तो वहाँ पे एक छोटा सा प्लस का साइन आया है. स्क्रीन पे क्या आ रहा है? एक छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है ना. वो प्लस ना, वो प्लस का साइन इज वॉट? वो प्लस का साइन इज इंडिकेशन दैट बाय क्लिकिंग ऑन दैट प्लस का साइन, प्लस का साइन इज एन इंडिकेशन दैट व्हाट हैपन कि बाय क्लिकिंग ऑन दैट प्लस का साइन यू कैन एड वन रो और एज मेनी रो एज यू वॉन्ट इन योर डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो लेट अस ऐड सम रो. ठीक है, चलो रो ऐड करते हैं. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट हाउ यू कैन. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी कैन यू नो ऐड रोज. सबसे पहले एक टेबल आपने फ्रेम कर लिया. नाउ आफ्टर फ्रेमिंग दैट टेबल व्हाट हैपन, आफ्टर फ्रेमिंग दैट टेबल नेक्स्ट इज वॉट? नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपको जहां पे रो ऐड करनी है वहां पे आप अपने माउस कर्सर को लेके जाएंगे टेबल में, एंड यू विल रियलाइज, एंड यू विल रियलाइज दैट प्लस का साइन विल अपियर. एंड वॉट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है? उस प्लस के साइन पे आपको क्लिक कर देना है एंड यू विल गेट अ न्यू रो. लेट अस ट्राई डूइंग दैट. ओके, सो मैम हैज क्लिक्ड द रो एंड सी वॉट हैपन. जैसे ही मैंने इस प्लस के साइन पे क्लिक किया तो देखो मेरी स्क्रीन पे क्या हुआ. जैसे ही मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, आई हैव गॉट दिस एक्स्ट्रा रो. ठीक है, आई हैव गॉट दिस एक्स्ट्रा रो. ओके, नाउ लेट अस एंटर टेक्स्ट इन दिस ऑल्सो. नाउ आफ्टर रोहन रीमा लेट अस टॉक अबाउट रितेश. Ritesh is in class 3 and his section is A. Okay,
So this is how we can add extra row in our Word documents table. ठीक है. Now suppose if I want to add some extra field here. अगर मुझे कुछ extra field add करनी है. Extra field means अभी जब हम ये chart देख रहे हैं school में, Word पे, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, नेम क्लास सेक्शन ही मेंशन है. खाली यहाँ पे क्या चीजें मेंशन है, नेम क्लास एंड सेक्शन. नाउ सपोज इफ आई वांट टू, ऐड सम मोर फील्ड, चलो सम मोर कॉलम. सो वेयर आई विल ऐड सम मोर कॉलम, आई गेस हियर, हियर आई विल ऐड सम मोर कॉलम ना, यहाँ पे कुछ और कॉलम्स ऐड होंगे. ठीक है, तो लेट अस सी. तो व्हाट वी हैव टू डू, जैसा कि हम रो में कर रहे थे कि हम कॉर्नर में लेके जाए थे, तो वी वर गेटिंग अ प्लस साइन, सेम हियर यू हैव टू डू. जब आप साइड में लेके जाओगे इसको, तो यू विल गेट अ प्लस साइन. एंड आप वंस क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन, देखो क्या हुआ, जैसे ही प्लस पे प्लस का साइन क्लिक किया, हियर वी हैव गॉट अ न्यू कॉलम, है ना. ओके, नाउ सी वन मोर थिंग. नाउ लेट अस ऐड वन मोर सेक्शन. तो नाउ दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू ऐड, दिस सेक्शन वी विल ऐड, सेक्शन में हम ऐड करेंगे फी. एंड नाउ लेट्स सी फीस एंड लेट अस फिल दिस पेड ड्यू पेड. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हम अपने टेबल में वी कैन ऐड द टेक्स्ट एंड वी कैन ऐड द रो एंड कॉलम आल्सो. नाउ अगला टॉपिक इज हाउ यू कैन सेलेक्ट अ रो और कॉलम. अगला टॉपिक इज हाउ यू कैन ऐड और यू कैन ऐड और सेलेक्ट अ रो एंड कॉलम. नाउ सी व्हाई सेलेक्शन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्शन क्यों जरूरी है, सेलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू डू द कंपल्सरी चेंजेस. नाउ लेट अस सी, सो वी विल गो ऑन टेबल लेआउट एंड वी हैव टू सेलेक्ट. नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट अ सेल, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस सेल, तो आई विल मूव माई माउस पॉइंटर हियर. ठीक है, जो भी सेल आपको सेलेक्ट करनी है, आप वहां पे अपना माउस पॉइंटर लेके जाइए. एंड प्रेस सेलेक्ट तो सी वॉट हैपन, ये पहली वाली लाइन क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई. नाउ इफ यू वॉन्ट यू कैन डिलीट इट, है ना, यू कैन, इफ यू वॉन्ट यू कैन डिलीट इट, इफ यू वॉन्ट यू कैन मर्ज इट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. Got it? Now, so this is how you can select a cell. Now, similar way, you can select your rows, column, and in fact the whole table. In the similar way, in this method only you can add row, column, or the whole table. Let us see. Okay, now. Now suppose if I want to select this whole table, ये पूरा टेबल मुझे सेलेक्ट करना है, तो what I will do? मैंने माउस कर्सर प्रेस किया, टैप किया और मैंने टेबल पे क्लिक किया. Now see what happened? यहाँ पे क्या हुआ, पूरा टेबल ही क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया. Now if I want to delete the table, then what I have to do? देखो वहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन भी दिख रहा है. If you will press the delete ना, so this whole table will get deleted. Got it? Okay. Now, हमने क्या किया, टेबल हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया. Now next topic is after selecting the table, अगला topic is what? Let us take a look of the
नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन द टेबल डिजाइन। ठीक है, तो हमने टेबल को तो सेलेक्ट कर लिया, लेट अस मूव टू द टेबल डिजाइन। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डिजाइन द टेबल। तो लेट्स सी, दिस इज अवर टेबल, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू इन डिजाइन। सो हियर यू कैन सी अ ऑप्शन दैट इज चेंज कलर। तो सपोज इफ आई मेक माय कलर ब्लू, सो व्हाट हैपन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सेलेक्ट इट। नाउ इफ आई वॉन्ट टू चेंज द कलर व्हाट हैपन, मैंने कलर चेंज किया, नथिंग हैपेंस। येलो किया, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। टेबल डिजाइन पे चलेंगे हम, इंसर्ट पे गए, टेबल डिजाइन पे गए एंड हियर वी आर गेटिंग डिफरेंट ऑप्शन। तो देखो जब मैं उस डिफरेंट ऑप्शन पे टिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो अब जब मैंने इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरे जो हेडिंग्स थे वो डार्क हो गए और बाकी चीजें लाइट रह गई है ना। रुको मैं फिर से दिखाती हूँ। नाउ सी हेडिंग्स क्या हो गए, डार्क हो गए और बाकी चीजें क्या हो गई, लाइट ही रह गई। उसके बाद नेक्स्ट टेबल स्टाइल पे जब हमने क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, नेक्स्ट टेबल स्टाइल पे जब हमने क्लिक किया तो हमारी स्क्रीन से लाइंस मतलब ग्रिड्स जो थे वो चले गए, खाली टू लाइंस हमारी स्क्रीन पे रह गई, बाकी ग्रिड्स क्या हुए हमारी स्क्रीन से चले गए। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा डेटा बहुत लेंथी नहीं है तो वी कैन यूज दिस स्टाइल ऑल्सो। एंड लेट अस मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। नेक्स्ट पे गए तो देखो क्या हुआ, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, जब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सिर्फ हमारे पास ये लाइन बची, बाकी हमारे पास नेक्स्ट कोई ऐसा लाइन नहीं बची स्क्रीन पे, है ना। तो ये भी क्या है, टेबल डिजाइन है। आप अपने टेबल को कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज देयर। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर सम मोर मेथड्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस कलर सेल शेडिंग। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अवर टेबल नॉर्मल। ओके, सो दिस इज अवर टेबल। नाउ क्लिकिंग ऑन द सेल शेडिंग। नाउ इफ आई क्लिक ऑन, ओ सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सी वॉट इज हैपनिंग हियर, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। नाउ सेल्फ शेडिंग मीन्स वॉट, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल ऑफ योर टेबल। आप अपने टेबल के सेल्स की कलर क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल ऑल्सो। लाइक हाउ, क्लिक ऑन द सेल ऑफ विच कलर डू यू वॉन्ट टू चेंज। नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ द फर्स्ट सेल, दैट इज स्टूडेंट्स नेम का कलर, मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, फर्स्ट का कलर मुझे क्या करना है, चेंज करना है। मैंने उस पर क्लिक किया, अब मैं इस ऑप्शन पे गई, दैट इज सेल शेडिंग। अब मैं इस ऑप्शन पे गई जहां पे जिसका नाम था सेल शेडिंग, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा था, मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। नाउ मुझे पहला सेल जो मेरा था वो मुझे चाहिए था रेड कलर का, सो आई विल प्रेस रेड कलर एंड सी व्हाट हैपेंड, ये किस कलर का हो गया, रेड कलर। नाउ मुझे नेक्स्ट जहाँ पे रोहन लिखा है उस कलर, उसको भी क्या करना था, चेंज करना था, तो उसको मैंने कर दिया दिस कलर। और अगर मैं दो को सेलेक्ट कर लूं और फिर मैं कलर चेंज करूं तो विल इट वर्क।
लेट अस फाइंड आउट। यस इट विल वर्क। देखो हम मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके सबकी हेडिंग एक साथ चेंज कर दी, सबका कलर एक साथ चेंज कर दिया। नाउ लेट अस सी, लेट अस ट्राई चेंजिंग द कलर ऑफ दीज। मैंने इतने को सेलेक्ट कर लिया, टेबल डिजाइन पे गई, सेल शेडिंग पे गई और वहां से इन सब के लिए एक कॉमन कलर चूज कर लिया, दैट इज गोल्ड। एंड सी व्हाट हैपेंड, ये पूरा टेबल किस कलर का हो गया, गोल्डन कलर का। ये पूरा टेबल हमें क्या होने लगा, दिखाई देने लगा। प्रैक्टिस इट इन योर लैपटॉप ऑल्सो, कम ऑन डू द प्रैक्टिस। ओके नाउ एज यू कैन सी, अभी ऊपर के तीन चार बॉक्सेस बचे हैं, तो लेट अस चेंज देयर कलर ऑल्सो। फर्स्ट यू चेंज द कलर, देन आई विल डू। लेट अस सी, अभी हमें क्या करना, इन तीनों का कलर चेंज करना है। हमने सेलेक्ट किया, वेट अ मिनट, हमने इन तीनों को सेलेक्ट किया, हम टेबल डिजाइन में गए, सेल शेडिंग में गए और वहां से हमने रेड कलर ले लिया। सी व्हाट हैपेंड, अब इन सबके भी कलर क्या हो गए, स्क्रीन पे चेंज हो गया ना। तो दिस इज हाउ, देखो नाउ दिस टेबल इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इजंट इट, इजंट इट लुकिंग ब्यूटीफुल। टेल मी, देखो आफ्टर चेंजिंग द कलर, आफ्टर मेकिंग इट कलरफुल, इट इज लुकिंग सो सो प्रिटी। अच्छा नाउ मूविंग अहेड, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट थिंग। आफ्टर दिस टेबल डिजाइन भी देखो, अभी हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा लेट अस चेंज द, इफ आई मेक माय, देखो अब ये कैसा दिख रहा है, आई कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ माय टेबल आल्सो। दिस आल्सो कैन हैपन दैट आई कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ माय टेबल। लिस्ट टेबल में जाके अगर मैंने अपना लिस्ट टेबल अगर ऐसे कर दिया, सो व्हाट आई विल गेट, सी दिस इज आल्सो लुकिंग गुड, है ना। दिस इज नॉट लुकिंग गुड, दिस इज आल्सो लुकिंग गुड। नाउ सी स्टूडेंट नेम रो, सब में क्या है, यहाँ पे सारी चीजें हैं, बस कौन सी चीज नहीं है, ग्रेड्स हटा दी गई हैं। यहाँ पे जो ग्रेड्स थी वो ग्रेड्स क्या हो गई हैं, वो ग्रेड्स हटा दी गई हैं और अब ये टेबल एकदम ओपन टेबल की तरह लग रहा है। बट दिस फॉर्मेट इज गुड, आई लाइक इट, दिस फॉर्मेट इज गुड। ओके नाउ नेक्स्ट इज, राइट नाउ आई हैव चेंज द कलर, सो देखो क्या हो गया, कलर क्या हो गया, सारे टेक्स्ट के कलर क्या हो गए, मेरी स्क्रीन पे चेंज हो गए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव मेड अ टेबल एंड द लास्ट थिंग इज दैट हाउ यू कैन डिलीट अ टेबल। ठीक है, अपने स्क्रीन पर से आप टेबल को डिलीट कैसे करोगे, टेबल बन तो गया, बट नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिलीट इट, हाउ यू कैन डिलीट योर टेबल, लेट्स सी that how you can delete your table. So what we will do to delete the table, we will go to layout, we will click on the table and see here I am getting the option table, column or row, whether I want to delete table or a column or a row. So I will press table and see what happened. द टेबल गॉट डिलीटेड, वो टेबल जो हमने बनाया था वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो टेबल डिलीट हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सो टुडे वी हैव सीन हाउ वी कैन डू द फॉर्मेटिंग इन टेबल। इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद सम मोर अमेजिंग स्टफ्स।
Hello kids, welcome back to your computer class. So kids, today we are going to see how we can format our table. ठीक है, so let us start.